स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी। सो ग्रेटर इज द स्ट्रेस ऑयल वॉल्यूम, लोअर विल बी द वैल्यू फॉर द ब्रेक डाउन स्ट्रेस। सही। सो इट वॉज प्रपोज दैट द इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल इज डिफाइंड बाय द वीकेस्ट रीजन इन द ऑयल, नेमली द रीजन विच इज स्ट्रेस्ड टू द मैक्सिमम बाय द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इंक्लूडेड इन दैट रीजन। जिस रीजन पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा वॉल्यूम का, ठीक है, तो वही रीजन वीकेस्ट रीजन कहलाएगी। The breakdown voltage is highly influenced by the gas content in the oil, the viscosity of the oil, and the presence of other impurities. चाहे गैस कंटेंट हो, चाहे अदर इम्प्योरिटीज हो, तो ये ब्रेक डाउन ऑफ द लिक्विड पे ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। ठीक है, तो अभी लैब तो चूँकि इस कोर्स के साथ है नहीं, अगर फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यानी ब्रीफली ये समझा दूं कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका टेस्ट किया कैसे किया जाता है, और फिर इसकी एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह यानी लैब में आप देखते हैं कि लिक्विड डाइलेक्ट्रिक में स्पार्क या उसकी जो ब्रेकडाउन है वो किस तरह आकर होती है। ठीक है, सो अच्छा, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, पहले इसकी अपरेटस और सारे प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर मैं वो वीडियो आप लोगों को प्ले कर दूंगा। सही। अच्छा, टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल इज नेसेसरी फॉर द ऑब्टेन ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल। ऑयल इज यूज इन ट्रांसफार्मर इज न्यूट्रल ऑयल विच हैज वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऑयल यूज in transformer as the insulating material, but transformer oil is reduced in its breakdown strength by the presence of the moisture content. Oil is also provide cooling to the apparatus of the transformer. Breakdown voltage of transformer oil is also known as the dielectric strength of the transformer. अच्छा, ये तो आपको clear हुआ होगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल डुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो उसमें इंसुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, और मॉइस्चर कंटेंट ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, तो इस वजह से हम ट्रांसफार्मर में ब्रीदर भी लगाया जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज इज मेजर्ड बाय कीपिंग टू इलेक्ट्रोड स्फीयर इन ऑयल, both sphere is separated by some distance. A test oil is made from transparent glass. Oil which is breakdown voltage is to measure is take into the test cell. Acha, pure transformer oil ki container se ek sample liya jata hai thoda sa, और उसको टेस्ट सेल में टेस्ट किया जाता है, और जो रिज़ल्ट आते हैं तो वो हम पूरे ये जो कंटेनर में ऑयल है जिससे सैंपल लिया गया है उसी पे हम इसको यानी अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो जो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स हैं और ये टेस्ट सेल के इलेक्ट्रोड्स हैं। इसके बीच में इसमें हम ऑयल रखते हैं और ऑयल जो है इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से इस टेस्ट सेल जो है इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक है, सो अच्छा, टू स्टेनलेस स्टील पॉलिश्ड इलेक्ट्रोड स्फीयर ऑफ रेडियस 12.5 मिलीमीटर आर केप्ट इन टेस्ट सेल। अच्छा, टेस्ट सेल में जो स्फेरिकल इलेक्ट्रोड्स हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनकी जो वो डायमीटर है वो 12.5 mm होती है, और इनमें जो गैप होता है वो 2.5 mm गैप दिया जाता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। दे दिस स्फीयर आर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑफ 230 volt 50 hertz फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इसका पूरा अपरेटस है। अच्छा, प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट फिल द सैंपल
ऑयल विच इज़ नीड टू टेस्ट इन द वेसल ऑफ द टेस्ट सेल, जो टेस्ट सेल में जिसने आपको टेस्ट जो आपने टेस्ट करना है उसका एक सैंपल आप लोग ले लेना लेना है। और डिस्टेंस जो है वो 2.5, डिस्टेंस चेंज होने से डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे की वैल्यू पे असर पड़ता है। देखें आप जो वैल्यू लेते हैं वो केवी पर सेंटीमीटर में लेते हैं, सही है ना, यानी 1 सेंटीमीटर के लिए। अगर ये सेंटीमीटर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो फिर केवी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना। यानी अगर 5 सेंटीमीटर गैप है और ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ आ रही है 10 केवी, ठीक है, तो अगर 10 सेंटीमीटर गैप होगा तो तब केवी की वैल्यू 20 आनी चाहिए, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 5 से 2 आता है, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 10 से भी 2 आता है। तो 5 के लिए केवी की वैल्यू 10 होगी और 10 सेंटीमीटर की गैप के लिए फिर ये 20 आएगी। तो इसलिए ये नहीं है कि आप कोई सा भी गैप ले लें, तो इस तरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट सेल में सैंपल रखने के बाद आपने वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इंक्रीज़ करना है, ठीक है, और तब तक इंक्रीज़ करना है जब तक कि आपको फ्लैश और या इलेक्ट्रिक आर्क अब्जॉर्ब ना हो। इलेक्ट्रिक आर्क या इग्निशन जो है ये इस बात की इंडिकेशन है कि क्या अकर हो गया, यानी इसका ब्रेकडाउन अकर हो गया, सही है। जी सर। अच्छा, सो ये एक स्टूडेंट कह रहा है कि आवाज़ क्लियर नहीं है, नज़ीर। बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ क्लियर है? सर जी अभी सर, क्लियर क्लियर आ है। रही है सर। अच्छा सर अभी क्लियर है सर, नज़ीर अच्छा बात कर रहा हूँ सर। जी अच्छा अभी क्लियर है, अच्छा सही है, ठीक है, सर। ओके। सो जब इग्निशन आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क या आर्क आपको नज़र में देखने को मिलेगा, तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि ये जो वैल्यू आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे थे, अब इस वैल्यू को आप रोक दें और इस वोल्टेज को नोट करें और जो डिस्टेंस आप लोगों ने लिया है उसको नोट कर लें, तो ये आपकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। और इसको आप टेबल में नोट कर लें, जिस तरह आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोगों का होता है, तो डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए डिफरेंट केवी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। ये एक पूरा यानी एक्सपेरिमेंट होगा, सही है। अच्छा, और ये वैल्यू आप लोगों ने आरएमएस में लेनी है, क्योंकि आपको पता है आरएमएस की वैल्यू को वैल्यू दी जाती है, यही एक्सपेरिमेंट में आरएमएस की वैल्यू ही दी जाती है, ठीक है। इसलिए हम जब एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू की बात करते हैं तो हम कहते हैं 21.1 केवी पर सेंटीमीटर, ये आरएमएस वैल्यू है, जबकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 केवी पर सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट सेल का जो है वो है एक इमेज है, आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए ये वो टेस्ट सेल का वेसल है और इसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, थीके? और दोनों के डाई के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और इसमें ये गैप और ये बिल्कुल एमर्स्ड हो, इसमें बिल्कुल डूबा हुआ हो, ठीक है। तो और ये आपने देखिए इसको और इसको वोल्टेज अप्लाई करना है, ये दो इलेक्ट्रोड्स के, ठीक है, और इन वोल्टेज इस वोल्टेज को आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, तब तक बढ़ाना है जब तक कि यानी कोई फ्लैश ओवर आकर ना हो जाए, ठीक है। ओके, सो अब ये वीडियो लिंक वीडियो जो है मैं प्ले करता हूँ ताकि आप लोग उसको भी देखें, ठीक है।
अच्छा ये वीडियो, अच्छा ये वीडियो आप लोगों को नजर आ रही है? अच्छा जी सर आ रही है। ये मैंने न्यू स्क्रीन शेयर किया है, तो अब आप इस वीडियो को देखें, ठीक है? अच्छा ये पहले जो है ये पहले ब्रेक डाउन ऑफ गैसेस का वो है कि वीडियो है, ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर ऑयल का होगा। तो ये आप देखेंगे गैसेस ब्रेक डाउन किस तरह होती है। तो ये अब एयर के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, सही है, और इन दोनों के बीच जो गैस है वो क्या है, वो एयर है, सही है। तो सर ये अब आप देखिए वोल्टेज को ये ऐसा ऐसा बढ़ाएंगे और फिर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों के बीच एक फ्लैश और यानी आर्क आपको नज़र, देखिए आपको नज़र आए, ये देखिए, हाँ अब ये वैल्यू इन्होंने नोट कर ली है। और ये वैल्यू है एक फॉर 1 सेंटीमीटर, ये वैल्यू कितनी थी, 11.25 के, ठीक है, के वोल्ट, ये 1 सेंटीमीटर के लिए थी। किलोवाट सर हाँ अब ये जो है यानी गैप को हाँ गैप को अभी इन्होंने ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब गैप को ज़्यादा कर रहे हैं तो अब ये वैल्यू को नोट करते जाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे और फिर ये देखेंगे कि बिल्कुल फेंसेस में ये पूरा एपरेटस कवर है। अच्छा अब गैप को ज़्यादा किया है तो आप लोगों के ख्याल में केवी की वैल्यू बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? हाँ बढ़नी चाहिए सर। बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। पहले 11.25 KV थी, ठीक है ना। जी सर अच्छा अब ये ऐसा ऐसा बढ़ देखेंगे, ठीक है ना। अब ये देखें 21 KV और ये 1.5 सेंटीमीटर की गैप के लिए, ठीक है। इस जी तरह सर 2 सेंटीमीटर और फिर जो है इस तरह यानी ये रीडिंग लेते जाएंगे, ठीक है। देखिए वाजे सर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये यानी गैप को उन्होंने और भी बढ़ा दिया है। अभी देखें 32 KV फॉर ये 1.5, ठीक है। अच्छा ये देखें 11.25 4.5 सेंटीमीटर, ये या सही यहाँ पे है, ठीक है। और 21 KV फॉर 1 सेंटीमीटर, देखिए एयर है ना, एयर का मैंने आपको बताया था कि आरएमएस वैल्यू कितनी बनती है, 21 बनती है ना, 21 पॉइंट पॉइंट वन केवी केवी पर पर सेंटीमीटर सर सेंटीमीटर, देखिए ना 1 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। और ये जब 1.5 तो ये पर 32 KV आएगी, ठीक है। अच्छा जी तो सर अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये अब ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए, ठीक है। तो ये टेबल होगा और आप लोगों ने इसको फिल करना होगा और ऊपर ये वो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अच्छा ये रियल टाइम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये इस किट का वो है का नंबर है H, उतनी क्या था, ठीक है। जी HV9137, ठीक है, ये इस किट का अपना नंबर है, ठीक है। ये मूवेबल वो हैं इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इसमें गैप कम और ज़्यादा यहाँ से होता है, ठीक है। अच्छा देखिए ऑयल को आप देखें बिल्कुल क्लोज से ये डाल रहे हैं, अगर आप दूर से डालेंगे तो आप इंटेंशनली इसमें बबल क्रिएट कर रहे हैं। और बबल्स को क्रिएट करने का अब तक कि हम जितना पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बबल्स एज ए इम्प्योरिटी का काम देते हैं। इम्प्योरिटी सिर्फ ये नहीं है कि इसमें डस्ट पार्टिकल है तो ये इम्प्योरिटी होगी, नहीं, इसमें अगर बबल्स भी हैं तो वो इम्प्योरिटी का काम देंगे। और ये बबल्स यानी हीट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे आप दूर से इसको फेंक रहे हैं तो दूर से इसको पावरिंग का ये मतलब है कि आप इंटेंशनली इसमें बबल्स क्रिएट कर रहे हैं और इम्प्योरिटीज इससे बढ़ जाएगी और डायरेक्ट स्ट्रेंथ की वैल्यू कम आएगी, तो इसलिए आपने इसको क्लोज से डालना होगा।
ठीक है, ताकि इसमें कोई जी सर वो अकर ना हो, और इसको इतना डालना होगा कि इमर्स हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये पूरा वो सेटअप है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड का ये देखें पॉजिटिव और दूसरा ग्राउंड के साथ, ठीक है, अटैच्ड है, और हमने बाकायदा इसको ऊपर रखा है ताकि इंसुलेटेड भी हो और सेफ भी रहे, सही। अच्छा, अब ये देखें गैप को ज़्यादा, और ये ट्रांसपेरेंट उसमें ग्लास में आपने करना है ताकि आपको वो फ्लैश नज़र आए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अभी इमर्ज है, तो इमर्ज है तो आपको अगर ये ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं होगा तो फिर आपको फ्लैश नज़र आए, ठीक है, इसलिए आपने इसको ऊपर ढक्कन रखा है, ठीक है, सेफ्टी के लिए। दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, और ये देखें देखें ये हुआ फ्लैश, फ्लैश ओवर अकर हुआ, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेक डाउन अकर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ये एक ब्लैकिश आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है, ठीक है, ये यानी वो ऑयल जलने की वजह से जो ब्लैकिश वो होता है, ये कार्बन है। आपको पता है हर जो जो ऑयल है वो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है, उसमें कार्बन होता है, और जो जो ब्लैकिश कलर है ये असल में वो कार्बन नज़र आ गया है, सामने आ गया है, ठीक है। तो ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि ये इसका फ्लैश ओवर अकर हो गया है, ठीक है, ये ब्लैकिश लाइन, सही। अच्छा, जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे ब्रेक डाउन के तो ये और ब्लैक होता जाएगा। अभी फिलहाल तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, मगर जब ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे तो ये और भी ब्लैक होता जाएगा, ठीक है जी। ओके, ये थोड़ा मैंने पीछे किया है तो ताकि अभी इस ब्लैकिश लेयर को आप ऑब्जर्व करें, इसके बाद दूसरा ऑपरेशन होगा तो फिर आप लोगों ने देखना होगा कि यह ब्लैकिश लेयर और भी यानी बढ़ जाएगी, सही है। अभी फिलहाल इतनी है, ठीक है। ओके, अभी सेकंड वो करेंगे और देखेंगे कि सेकंड अटेम्प्ट में फिर ब्रेकडाउन की वैल्यू, अभी फर्स्ट में 22.69 है, सही है, और गैप इन्होंने ये गैप है 0.01, सही, और ये इस है कितने मिली सेकंड में या कितने सेकंड में ये आकर हुआ है, वो इस टाइम को शो कर रहा था, ठीक है। अब ये देखें, अब ये दूसरा ऑपरेशन, ठीक है ना, दूसरा जो है देखें, पहले क्या वैल्यू थी, 23 थी, क्या वैल्यू थी याद है किसी को? देखें अभी 10 है, क्योंकि अब उसकी ब्रेक डाउन कमज़ोर हो गई है, ठीक है, इससे पहले चलो उसको, हाँ 22.69, ठीक है ना, फर्स्ट ऑपरेशन 69 और सेकंड ऑपरेशन में ये 10 पॉइंट, ठीक है ना, बिल्कुल हाफ पे ये आ गया है, वही ऑयल है, वही वॉल्यूम है उसका, मगर ये अब ठीक है डायरेक्ट स्ट्रेंथ वही गैप है, ठीक है ना, अब डायलेक्टिक स्ट्रेंथ जो है वो टाइम भी कम दिया है, यानी जल्दी अकर हुआ है, ठीक है, और जी सर 10.17 पे अकर हुआ, 10.17 किलो वोल्ट। इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो यानी ऑलरेडी वो था और आपने उसको दोबारा किया, दोबारा उसी सैंपल को लिया, फ्रेश सैंपल, जी सर, इसकी वजह से ब्रेक डाउन जो है वो कम वोल्टेज पे आकर हुआ, यानी जल्दी आकर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ये भी जो कुछ है वो प्लाज्मा कलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर प्लाज्मा का अपना कलर होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए हीलियम का इन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया है, और ये वो डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, मुख्तलिफ गैसेज ये लेंगे। अच्छा, ये देखें, ये आर्गन के लिए है ये वाला, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हीलियम है, और ये वाटर, वाटर के मतलब वाटर वेपर्स हैं, ठीक है ना, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए हर एक का अपना अपना कलर है, देखिए इसका ब्लू सा होगा, इसका ये कलर, इसका ये, ठीक है। तो प्लाज्मा कलर्स, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। अच्छा, हाई वोल्टेज, यह देखें, ये जो
अच्छा डाटा उठ रहा है सर। आइसोलेटर्स जो हैं, ठीक है, अगर आप आइसोलेटर को ऑन लोड वो करेंगे, हटाएंगे, तो इस तरह का आपको वो मिलेगा, आर्क देखने को मिलेगा, सही। जी सर आर्क। अच्छा ये जो हुआ, यानी पूरे एयर को, यानी एयर रास्ते में जो जो एयर आती जा रही है, ठीक है, हालांकि वो अलग हो गए हैं फिजिकली, तो वो अलग हैं, मगर इलेक्ट्रिकली ये अलग नहीं है। इलेक्ट्रिकली जो फिर भी पाथ बन रही है, और ये पाथ क्यों बन रही है, क्योंकि एयर साथ साथ आयनाइज होता जा रहा है, और आयनाइज्ड एयर जो है वो कंडक्टिव पाथ के तौर पे काम देती है, वो इंसुलेटेड पाथ नहीं होती। एक दफ़ा फिर देखें, ये देखें, ये तो यानी फिजिकली तो ये अलग है, मगर इलेक्ट्रिकली ये फिर भी कनेक्ट हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये जी सर सारी पाथ इन्होंने बना ली है, और ये पाथ क्यों पाथ बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एयर है, ठीक है, और ये एयर आयनाइज्ड हो गया है, और जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स ऑफ एयर होती हैं वो कंडक्टिव होती हैं, उसमें भी आसानी से पास हो सकती है, ठीक है ना। जी सर देखिए ये भी वही है, ठीक है, आइसोलेटर्स को नो लोड पे आप लोगों ने वो करना होगा, ऑपरेट करना है सर। ये शॉर्ट सर्किट एक एग्जांपल है कि दरख्त जो है वो के साथ कनेक्ट हैं। अच्छा ये भी देखें, सॉलिड इंसुलेटर फ्लैश ओवर हो रहा है, क्योंकि सॉलिड डायलेक्ट्रिक जो है कहीं पे वो उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक हो गई है, शायद मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से, या बाहर के जो वो हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनकी वजह से, जो भी वजह है, मगर इसमें जो है ये नहीं, अब इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो नहीं रही, इसी वजह से ये अगर हो रहा है, ठीक है जी सर। यहाँ पे भी ये एयर जो है बाकायदा वो है, ठीक है, ओके। देखिए आग लगी हुई है, ये इट इज बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट। ओके सो ये था उसके बारे में, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के बारे में, और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल वो भी किया ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम इस तरह का थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा, क्योंकि हमने पिछला क्लास में मिस किया था, तो उसको भी कवर करना है, ठीक है जी। बेहतर है सर। कितने मिनट का है सर ब्रेक? बस 10 मिनट का, ठीक जी। बेहतर है सर। जी सर, शुक्रिया सर।